नमस्कार व्यूअर्स, जी न्यूज 24 एन की ग्वालियर न्यूज 24 में आप सभी का स्वागत है। प्रस्तुत है टेकनपुर सीमा सुरक्षा बल अकादमी टेकनपुर में 14 से 18 अक्टूबर 2019 तक 42वीं अंतर सीमांत एथलेटिक्स मीट 2019 का आयोजन किया जा रहा है। 14 अक्टूबर 2019 को मीट प्रतियोगिता का शुभारंभ सीमा सुरक्षा बल अकादमी टेकनपुर ग्वालियर के लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम में मुकुल गोयल अपर महानिदेशक अकादमी द्वारा किया गया। इस प्रतियोगिता में गुजरात, जम्मू, पंजाब, राजस्थान, साउथ बंगाल, नॉर्थ बंगाल, गुवाहाटी, मेघालय, MNC एवं त्रिपुरा मिलाकर 10 सीमांतों की टीम हिस्सा ले रही है, जिनमें लगभग 300 प्रतिभागी शामिल है। आइए देखते हैं इस कार्यक्रम की कुछ झलकियां। इस समारोह में मुख्य अतिथि अपने संबोधन में कहा कि शारीरिक फिटनेस को बनाए रखने के लिए खेल एक अच्छा माध्यम है, जिससे पारंपरिक मेलजोल भी संस्थापित होता है। प्रतियोगिता का उद्देश्य सीमा सुरक्षा बल में कार्यरत जवानों की प्रतिभा को उजागर करना एवं सिसवुल के लिए एक मजबूत टीम का गठन करना है, ताकि इन खिलाड़ियों को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय खेलों में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने का मौका मिल सके एवं सिसवुल के साथ साथ देश का नाम विश्व में रोशन कर सके। उन्होंने कहा कि खेल से न केवल शरीर स्वस्थ रहता है, बल्कि यह मानसिक स्फूर्ति व मनोरंजन का भी साधन है। खेल को शरीर पर तनाव कम करने का एक अच्छा माध्यम होता है। प्रतियोगिता का नियमानुसार पालन, ईमानदारी तथा खेल भावना को बनाए रखने के लिए सभी प्रतियोगियों को शपथ दिलाई गई। इस समारोह में BSF पब्लिक स्कूल के बच्चों ने रंगारंग प्रस्तुतियां देकर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। प्रतियोगिता के समापन में विजेता टीमों को ट्रॉफियों एवं मेडलों से पुरस्कृत किया गया। सोमवार को आयोजित प्रतियोगिता के विजेता इस प्रकार है। 5000 मीटर दौड़ फाइनल में फर्स्ट रावेंद्र कुमार जम्मू और सेकेंड CH कुशा गुजरात। 800 मीटर फाइनल दौड़ में ओम प्रकाश गुजरात और तारकेश्वर गुजरात। दौड़ 200 मीटर में फाइनल में फर्स्ट ज्वाला घनश्याम पंजाब और हिंगलाज खानचरण जम्मू विजेता रहे। जैसा कि आप जानते हैं, खेलों का हमारे जीवन में विशेष महत्व है। खेलों से न केवल हमारी शारीरिक एवं बौद्धिक क्षमता का विकास होता है, बल्कि राष्ट्रीय ध्वज का आत्मा सबको समान वेतन करे और उसको बच्चा भारतीय के साथ आगे बढ़ते खिलाड़ी और कुछ ही देर में बैठ रहते हैं भारत के Thank you.
23 इवेंट्स इस प्रतियोगिता में 10 कंट्रियों की टीम्स हिस्सा ले रही हैं और सभी जो खिलाड़ी इस मैच का पूरा कोशिश करेंगे अपने BSF सीमा सुरक्षा बल ने खेलों का अपना महत्व है और हमारे यहाँ लगभग 18 अर्जुन अवार्ड विनर्स हैं, दो पद्मश्री हमारे खिलाड़ी रहे हैं। पूर्व में एक समय ऐसा भी था जब पूरे देश की जो हॉकी टीम थी वो BSF की टीम थी, 70 के दशक की बात कर रहा हूँ जब हम लोग ओलंपिक में भी जीते, लेकिन उसके बाद से स्तर अभी कुछ नीचे गिरा है। टीम्स भी बड़ी बड़ी हैं और जो हम इतने अच्छे खिलाड़ियों को हम लोग अट्रैक्ट भी नहीं कर पा रहे, लेकिन अभी भी खेलों का BSF में बहुत अधिक महत्व है और हम लोग पूरी कोशिश में हैं कि फिर से वही स्तर हम लोग। सर, मीडिया के माध्यम से देश की जनता को क्या संदेश देना चाहिए? आज हम लोग सब इसलिए आए हैं, यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं खेलों के लिए। खेल में भारत पिछले कुछ समय से अच्छी प्रगति कर रहा है और अच्छे समाचार के जगत से क्रिकेट के अलावा भी हमें मिल रहे हैं और मैं तो ये चाहता हूँ, मेरे पूरे देश की जनता से यही मेरी कामना है कि हर व्यक्ति किसी न किसी तरह से खेलों से जुड़े। एक शारीरिक व्यायाम होना चाहिए, खुद स्वस्थ रहें और अपने परिवार को। आज की खबर में बस इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।